फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टफ्ड इडली। और अगर आप नॉर्मल इडली खा के बोर हो गए हैं तो आप ये इडली ज़रूर बना के खाइए। और ये घर के सामान से आप बना सकते हैं, आपके पास घर में ही अवेलेबल होगा। अगर आपको सांभर बनाने का मन नहीं है तो भी आप ये इडली बना के खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं जब आपका मन हो। और इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स भी दूंगी ताकि आपकी इडली एकदम सॉफ्ट बने। तो चलिए बताती हूँ मैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। सूजी इडली बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे सूजी। सूजी हमने लिया है 1 कप, और हमें चाहिए पतली वाली सूजी जो थोड़ी सी फाइन आती है। मोटी सूजी इसे अच्छा नहीं बनेगा इडली। जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हम दही लेंगे तो हमारी इडली बहुत अच्छी बनेगी। तो आप इस तरह से रेशियो आप रख सकते हैं। अगर आपको डबल बनाना है तो 2-2 का करेंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे साल्ट, टेस्ट के अनुसार साल्ट ऐड करके, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, और इसको हमको कवर कर 20 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ पे बॉयल्ड पोटैटो मैंने 5 लिए हैं, और उसके बाद इसको हमें पील करके और इसको मैश कर लेना है। और हमें अच्छे से मैश करना है, इसमें बिल्कुल भी खड़ा पोटैटो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इडली के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब हमने कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चॉप किए हुए ऑनियन और चिली को ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रेट किए हुए जिंजर को ऐड करूँगी और इसको भून लूँगी। तो यहाँ मैंने जिंजर ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें ऑनियन को अच्छे से भून लेना है, तो यहाँ पे मैं ऑनियन को भून रही हूँ। अब हम ओनियन भून गई है तो अब हम यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैं जीरा पाउडर, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सीक्रेट मसाला, वो है हमारा सांभर मसाला, जिससे कि टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। तो ये सांभर मसाला मैंने यूज किया है एवरेस्ट का, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं, और नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप यूज करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है एकदम बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि साउथ इंडियन फ्लेवर है तो सांभर मसाला तो होना चाहिए। अब जो हमने अच्छे से मैश करके पोटैटो रखे थे, उस पोटैटो को हमें ऐड करना है, और ऐड करके इसके अंदर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जब हमारे मसाले रेडी हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने मिक्स करने के बाद साल्ट ऐड कर लिया है, और साल्ट हमने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे ऐड कर लिया है, आप अपने हिसाब से ऐड करें। और ये हमें अच्छे से भून के ये हमारी फिलिंग जो है रेडी हो गई है, और इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया है, और फिर हम एक छोटे छोटे से बॉल बना के रख लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें फटाफट हमारा काम हो जाएगा। और आप अपने इडली को, इडली मेकर है, उसके जितना बड़ा हो उसके शेप के हिसाब से आप बॉल बनाएं। तो मेरा थोड़ा बड़ा है तो मैंने उसी हिसाब से बॉल बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड को जो है ग्रीस कर लिया है। जो भी इडली मेकर हो उसमें आप बॉल को शेप को इस तरह से देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमें बैटर को भी डालना है। अब यहाँ पे मैंने जो सूजी और दही को 20 मिनट रेस्ट के लिए रखा था, वहाँ पे मैं 1/2 स्पून सोडा ऐड करूँगी। यहाँ पे हमें सोडा का ऐड करना है, यहाँ पे थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस अच्छे से मिक्स होने के बाद ये एकदम इसका स्मूथ बैटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बैटर की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा नहीं तो फिर फैलेगा। तो इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पे बॉल रखेंगे, बॉल के ऊपर से हम फिर से बैटर डाल के इसको कवर करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कवर कर दिया है। आप चाहें तो इनो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इनो पसंद नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इनो का यूज़ नहीं करती हूँ। बेस्ट होता है कि आप जो सोडा होता है खाने वाला वही यूज करना चाहिए, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इनो से टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे बॉल रख के कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो स्टीम आ गया था। तो यहाँ पे मैं दूसरा प्लेट भी रेडी कर ले रही हूँ।
इसी तरह से जैसे मैंने पहला प्लेट रेडी किया था। तो उसको होने के बाद दोनों साथ में रख सकते हैं, पर थोड़ा फास्ट फास्ट करना था इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको होने में कम से कम हमको 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट में हो जाता है, 10 टू 12 मिनट में। और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हम इडली को निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बनी है और एकदम स्पंजी भी बनी है, एकदम सॉफ्ट है। मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। तो आप तो एक बार बनाना तो बनता है ये रेसिपी। आप देख सकते हैं फिलिंग भी कितने अच्छे से अंदर भरी हुई है। तो इसी तरह से सारी इडली को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं दूसरा भी आपको चेक करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है और चाकू एकदम साफ निकला है। तो यहाँ पे मैं और भी आपको कट करके दिखाती हूँ, देखिए सभी अच्छी बनी है बहुत। और आप भी बनाइएगा ज़रूर, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है कट करके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्व किया है सॉस के साथ। आप चटनी के साथ, सांभर के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये रेसिपी आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर बनाना और शेयर भी करना फ्रेंड्स फैमिली में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आने वाली रेसिपी का सबसे पहले मिले आप। और फ्रेंड्स किसी रेसिपी की डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोला करें, मैं वो रेसिपी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।